और मेरे साथ आज एक ऐसा बुजुर्ग मौजूद है जो चलता फिरता जन्नती है। ये मकान है। सही बात है, मतलब मोए तो मकान है पर के इतिहार के हम के बंसी दम्मा सफर अनजान सफर। अच्छा इतने लम्हा की में होता जिसम तुसी इतने बांधे हो भाई, वो ख्याल किस तरह ध्यान देना तुसी कब्रिस्तान में बांधे हो? खुदा दा खौफ ले ले जों। अच्छा मोर बलना आग सामना खबर कितनी लम्मे सामना पवी सी, कितने दाड़े सामना पवी सी, ते के बंसी अनजान सफर लम्मा सफर, एक मौत का ख्याल से आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान ज़ीशान अलमानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जिसमें हज़ारों कब्रें हैं और यहाँ पर कई लोगों के प्यारे यहाँ पर जो है दफन हैं, और मेरे साथ आज एक ऐसा बुज़ुर्ग मौजूद है जो चलता फिरता जन्नती है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सुबह के वक़्त ये कब्रिस्तान में आते हैं और हर शख्स की कब्र पर जाके जो है बातें खानी करते हैं और कुरान पढ़ते हैं। इनका कहना है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पढ़ते हैं और इस वक्त जो है एक माह में पूरा कुरान जो है ये मुकम्मल पढ़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा जी, की हाल चाल? ठीक हो? ठीक। बाबा जी थोड़ा नाम की है? नूर खान। नूर खान ना है ते तो ए कब्रिस्तान का की ना है? शहीद शहीद ना है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा घर कितने? रोड टिप्पा लाला। अच्छा ए पीपल वाला खूह है ते इते थोड़ा पीपल वाला खूह ना? हां पीपल वाला खूह है तो थोड़ा इते कर रहे आ पीपल वाला। हां जी। अच्छा तू रोजाना फिर इते कब्रिस्तान आंदे हो? बस बस। अच्छा ते फिर तू पूरे कब्रिस्तान में मतलब कुरान पढ़ते हो? हां कुरान पढ़ते बस। अच्छा रोजाना पढ़ते हो ते कुरान अपना कितने दिन में तू मुकम्मल इते पढ़ लेंदे हो? चौके दिन लग जाने? कितने दिन लग जाने? पढ़ जाने के घर जाए आज कुरान खत्म कीतन पीछे आ गए। अच्छा मतलब कुरान उत्थे घर भी पढ़ते हो, इत्थे भी आके पढ़ते हो ते मुकम्मल इत्थे आ कर दियो? अच्छा मतलब थोड़े घर जेड़ा है वो कब्रिस्तान तकरीबन एक किलोमीटर ते एक एकड़ ते फासले ते देखो किला। अच्छा एक एकड़ मतलब एक एकड़ इनका कहना है एक किला, वो पंजाबी में कहते हैं एक किला ते हम जो है वो उर्दू में कहते हैं कि एक एकड़ के फासले पर इनका घर है और ये रोज़ाना पे आते हैं। अच्छा ये शौक जो है ना, मतलब शौक तो ज़ाहिर बात है लेकिन आप नेकी के लिए भी करते हैं, नेकी भी करते हैं कि आप पूरे कब्रिस्तान में जहाँ पर लोगों के प्यारे यहाँ पर दफन हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर नहीं आ सकते लेकिन आप यहाँ आकर जो है रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, तो ये बताइए कि आपके जो प्यारे हैं जो आपके दफन हैं कितने लोग यहाँ पर दफन हैं? कितने थोड़े लोग दफन हैं थोड़े जोड़े आपड़े जाती हैं मतलब थोड़े वाले साहब की कब्र हो गई? मेरे वालदा जी हो गए, मेरे दोस्त जी हो गए, मेरे बड़े दादा जी हो गए, दादी दादा हो गया। अच्छा दादा दादी भी याद हम थोड़ों दादा दादन? हाँ जी। मैं इच्छे के नहीं याद, मैं अखना। अच्छा अखे नाल तू अखेन देखे मतलब तुम याद है? अच्छा अच्छा दसो भाई तुम कभी इतने आके थोनों मकान है। सही बात है, मतलब मोए तो मकान है ख्याल किस तरह ध्यान देना कब्रिस्तान में बांधे हो? खुदा दा खौफ ले ले जोंदे। अच्छा मोर बलना आग सामना खबर कितनी लम्मे सामना पवी सी, कितने दाड़े सामना पवी सी, ते के बंसी अनजान सफर लम्मा सफर, एक मौत का ख्याल से आके। सही बात है, तो फाती आके पढ़ते हो ते इत्ते तो क्या मतलब कितनी कब्र टोटल कोई अंदाजा थोड़ा के ख्याल है? अच्छा 2000 रोजाना आंदे हो होर भी लोग आंदे इत्थे? हां काल जिम्मा बाय बंदे। अच्छा जिम्मे ज्यादा लोग आंदे? ज्यादा लोग। अच्छा अच्छा सही। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। नूर खान आपका नाम है ना? नूर खान इनका नाम है और एक एकड़ के फासले पर जो है इनका घर है कब्रिस्तान से और ये रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं यहाँ पर आते हैं और कब्रिस्तान की तमाम जितनी भी कब्रें हैं ये यहाँ वहाँ जाकर जो है फातह खानी भी करते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। इनका कहना है कि ये जो है अपने वालदैन के जो है सारे सवाब के लिए करता हूँ और अपने जो है जो गम है या फिर अपने जो दुख हैं या फिर जो अपने गुनाह हैं उनको माफ़ करने के लिए ये काम करते रहता हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान से शान अलबानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।